रीवा कलेक्टर ने सिलपरा बेला सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, आगामी एक वर्ष में पूर्ण गुणवत्ता के साथ कार्य को पूरा करने के दिए गए निर्देश। आपको बता दें कि कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने सिलपरा से बेला तक बनाई जा रही करीब 1.1 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सड़क के बन जाने से रीवा शहर के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण हो जाएगा और शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा तथा यातायात के दबाव से भी मुक्ति मिलेगी। कलेक्टर ने निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति का मौका पर जाकर निरीक्षण किया तथा निर्देश दिए कि आगामी एक वर्ष में पूर्ण गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण का कार्य पूरा करें। कलेक्टर ने सिलपरा में बनाए जा रहे अंडरपास तथा आरओबी निर्माण में आ रहे निराकृत करने के निर्देश एसडीएम हुजूर को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि भूमि का सीमांकन कराकर निर्माण कार्य के लिए एनएचएआई को अधिपत्य दिलाएं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सिलपरा में अंडरपास, पड़ोखर में आरओबी सहित बांसी में बनाए जा रहे सेतु निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया है। इस दौरान टीम लीडर एनएचएआई एके सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में 2 ब्रिज, 1 छोटा ब्रिज, जेसीबी तथा हाईवे कोरेटर का कार्य प्रगति पर है। बता दें कि बेला सिलपरा रिंग रोड के निर्माण की समय सीमा अप्रैल 2026 है, लेकिन जिस गति से निर्माण कार्य चल रहा है उसे देखने के बाद कलेक्टर ने कहा कि हम समय सीमा से पहले इस काम को पूरा कर लेंगे। दरअसल आज रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बेला सिलपरा के बीच बन रहे रिंग रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। बता दें इस रोड के निर्माण हो जाने के बाद एयरपोर्ट के लिए भी ये रास्ता उपयोग में आ सकेगा। अपना सिलपरा से बेला रोड का काम वापस से शुरू हो गया है और इसमें चूँकि अभी बारिश बहुत तेज़ थी और अब बारिश कम हो गई है, तो इसलिए मौके पर काम और तेज़ी से चल रहा है। एक दो जगह जो हम लोगों ने विज़िट किया, जिसमें सिलपरा से जब शुरू करते हैं रोड, तो एक सब्वे बनना है, सब्वे के पास में कुछ ज़मीन है जिनका भूअर्जन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन मौके पर एजेंसी को एक दो जगह कहीं पोजीशन में दिक्कत आ रही है, तो वो हम लोगों ने एरिया को क्लियर कराने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो नदी पर बनने वाला पुल हो या अपना रेलवे के ऊपर बनने वाला ओवरब्रिज हो, अंडरपास हो, इस तरीके के मेजर स्ट्रक्चर्स पे लगातार काम चल रहा है और इसकी जो समय सीमा है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से वो अप्रैल 2026 है पूरे रिंग रोड के काम खत्म होने की, लेकिन जिस तरीके से मौके पर काम चलता हुआ दिखा और जिस तरीके की तैयारी दिख रही थी, तो उसे देख करके लग रहा है कि ये काम हम लोग समय सीमा से पहले ख़त्म कर लेंगे और काम तेज़ी से चल रहा है। जो फ्लाई ऐश या अन्य चीज़ों के संबंध में एजेंसी को और मदद की आवश्यकता थी, वो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कराया है, तो उद्देश्य ये है कि ये बहुत जल्दी से ये बन करके चालू हो, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए भी ये मेजर रोड अपना है, उसके लिए भी आवश्यक है कि इसका निर्माण समय सीमा में हो।